रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित यह पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह एक खंड काव्य है। अभी हम रश्मि रथी के तीसरे सर्ग के तीसरे भाग का पाठ करने जा रहे हैं। पहले भाग में पांडव वनवास और अज्ञातवास समाप्त कर वापस लौटते हैं। दूसरे भाग में श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं। यहाँ भरी सभा में दुर्योधन श्री कृष्ण को जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है। कृष्ण जी क्रोधित हो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। पूरी सभा सन्न हो जाती है। कृष्ण जी सभा छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा भाग जिसका हम अभी पाठ करने जा रहे हैं। बाहर कृष्ण जी का रथ खड़ा है। वहाँ कर्ण भी मौजूद है। कृष्ण कर्ण को अपने साथ रथ पर बिठाते हैं। वे चिंतित हैं। वे युद्ध नहीं चाहते। वे कर्ण से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कर्ण पर कृष्ण जी द्वारा की जा रही किसी भी प्रार्थना या याचना का प्रभाव नहीं पड़ता। वह राजपाट, सिंहासन और सम्मान को ठुकराते हुए कृष्ण जी को कठोर शब्दों में उत्तर देता है। साथियों, शुरू करते हैं रश्मि रथी के तीसरे सर्ग के अंतिम भाग को। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुखिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कही, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के समुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी हृदय प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्रथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तन्य फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में फूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सूत के धन दाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां से देह हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धुनर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सू अंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा वान किया। अपना
विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया राधा ने माँ का कर्म किया पर कहते जिसे असल जीवन देने आया था वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके यशमान मुकुट पहना करके बाहों पर मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्ते ये सूर्य भोम तन मन धन सूर्योधन का है ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा के शव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने यह महासमर। पर मैं कैसे पापी हूंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है घनघोर प्रलय छाने को है तज उसे यदि भाग जाऊंगा कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा मन में मुझे यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सहूंगा विषम डंक अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डरकर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई ना कहीं भी चूकेगा सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आ रहे कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को पांडव ना कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है सूझता ना कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव यह सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो दे सकते परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं कुल को खाते ओ खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा पुरुषार्थ एक बस थन मेरा। कुल ने जो मुझको फेंक दिया मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंशकित भरमाया है खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ करण का मरण। हे कृष्ण ही मति मेरी है तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरुवर। वो अलग खड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने जिस तरु की छा गई मैंने उस पर ना वार चलने दूंगा कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी निछावर कर दूं कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सर लिए स्कंद पर चलता हूँ उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले चलूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं
साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, मुझबल से कर संसार विजय, ऐ गणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी ना सकी मन को, वह भय विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की, देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभय, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिके कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपशीन, सत्ता किरट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभय हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुम थुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ को जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी परपातों में, सारा आकाश आयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विषिद्ध घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है सामने, प्रलय गहराता है, ठहरा कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में वीरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विषम छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुस्सा ना मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।